हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल पे आप सभी लोगों को। दोस्तों आज मैं कुछ नया एंट्रेंस एग्जामिनेशन के बारे में आपको सब लोगों को बताना चाहता हूँ, जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। ये जो है ये अलग अलग सेक्टर के लिए है। तो जो पहला अपडेट है वो है NEET का। अगर आप MBBS और BDS उस सब करना चाहते हैं, और अगर आप मेडिकल लाइन में इंटरेस्टेड हैं और मेडिकल प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसके बारे में थोड़ा सा मैं खाली अपडेट दे देता हूँ। जो दोस्तों, तो मेडिकल के लिए जो ऑल इंडिया बेसिस का जो एग्ज़ाम होता है NEET का, उसका निकल चुका है। इनफैक्ट वो एक तारीख से निकला है, 1 नवंबर से। उसका लास्ट डेट है 30 तक उसका लास्ट डेट है। उसका आप अप्लाई कर सकते हैं। इसका जो ये होगा आपका ऑनलाइन ही होगा, और इसका जो फीस पेमेंट का है जो जनरल कैटेगरी के लिए है वो 1400, और उधर जो रिलेक्शन SC ST और OBC उन लोग का रहे हैं 750 रुपीज़ है उन लोग का जो फीस है। तो ये आप उसका साइट में जाके अप्लाई कर सकते हैं। हाँ दोस्तों, इसके लिए आपको जो है, देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, नेशनल यूनिवर्सिटी फॉर एंट्रेंस टेस्ट जो NEET जो टेस्ट बोलते हैं, इसका जो वेबसाइट है वेबसाइट के बारे में मैं बोल देता हूँ आपको। उसका वेबसाइट है www.NEET.ac.in। इसमें जाके आप उसका अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपका सब डिटेल दिया हुआ है कि क्या उसका क्वालिफिकेशन चाहिए, कितना फीस चाहिए, सब डिटेल आपको वहाँ पे अपडेट मिल जाएगा। अच्छा, और एक तो चीज़ है दोस्तों, इसका जो पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन है उसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का तीनों सब्जेक्ट क्या है। फिजिक्स का 45, केमिस्ट्री का 45, और बोटनी और जियोलॉजी दोनों कंबाइन मिला के 90, मतलब 180 का टोटल क्वेश्चन आएगा। जो मैक्सिमम मैंने मार्क है उसमें 180, 180, 360, मतलब 720 का जो स्कोर है, टोटल मार्क है 720, और नंबर ऑफ क्वेश्चन टोटल जो ये है वो है 180। अच्छा, और एक तो दोस्तों, आप मीडियम ऑफ क्वेश्चन जो किस मीडियम में आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं, तो उस यहाँ पे ऑप्शन है इंग्लिश, हिंदी, आसामीस, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, मराठी, उड़िया, तमिल, तेलुगु, उर्दू, ये सब में आप मैंने आपका जो एग्ज़ाम का पैटर्न है वो आप इसमें कर सकते हैं, ऑप्ट कर सकते हैं। इसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में मैं थोड़ा बता देता हूँ कि ये तो पहले तो मेडिकल है तो आपको साइंस ग्रेजुएट ही होना चाहिए, जो उसका जो ये है, और उस कॉम्प्लीटेड एज का जो है 70 ईयर्स कॉम्प्लीटेड होना चाहिए, और अपर एज लिमिट है 25 ईयर्स। जो यहाँ पे अपर एज लिमिट रहता है वो 25 ईयर्स ही है। अच्छा, और एक तो चीज़ है इसमें, मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। आपको तो NEET के साइट में जाके ही ये करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। हाँ, 1/11/2018 से 30/11/2018 तो उसका ऑनलाइन का सबमिशन का जो डेट है। फीस है ऑन रिजर्व कैंडिडेट के लिए 1400, रिजर्व कैंडिडेट के लिए 750, इसको आपको उतना पेमेंट करना पड़ेगा। इसको आप ऑनलाइन में भी पेमेंट कर सकते हैं, आपका डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड के थ्रू। तो इसको आप, अगर मैं आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दिया कि अगर आप इसमें अगर मेडिकल प्रिपरेशन करने वाले हैं तो इसको कर सकते हैं। सेकंड जो है, अगर आप मैनेजमेंट में इंटरेस्टेड हैं, जैसे MBA और PGDM वो कोर्स जो होता है मैनेजमेंट, तो उसका भी निकला है CMAT का, कॉमन मैनेजमेंट एडमिशन टेस्ट, इसका भी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी टेस्ट करेगा। उसका जो डेट ऑफ टेस्ट है 28 जनवरी 2019, मैंने 28 जनवरी 2019 को इसका जो एग्जामिनेशन का डेट है। तो इसके लिए जो क्वालिफिकेशन चाहिए वो ग्रेजुएट ही चाहिए, मैंने 10, और जो फाइनल ईयर में है वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, सब्जेक्ट टू जब एडमिशन का टाइम आएगा। अगर कुछ कॉलेज में आप एडमिशन करते हैं तो उस टाइम तक आपका रिजल्ट निकलना चाहिए मैट का। तो मैट में एक्चुअली मेन प्रॉब्लम ये होता है कि जो लोग मैनेजमेंट करना चाहते हैं वो कैट, जेट या फिर सिम्बोसिस का जो एंट्रेंस होता है मैक्सिमम लोग वो देते हैं। तो दोस्तों, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आप इस एक बार इसको भी दे दीजिए, क्योंकि अभी रिसेंटली क्या हुआ, बहुत मैंने टॉप रैंकिंग कॉलेज भी इसमें ऐड हुए हैं, मैंने CMAT का कोर्स जो स्कोर जो है वो लोग ले रहे हैं।
तो इसमें भी आपको कुछ बहुत ही मतलब अच्छा कॉलेज भी मिल पाएगा। तो आपको सिलेक्शन करना पड़ेगा, आप वो देख के अपना जो कौन कौन कॉलेज पार्टिसिपेट किया है वो देख के कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी बहुत मैं देखा था लास्ट ईयर मैट का कोर्स को वो ले रहे हैं, मतलब जैसे जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी हुआ है, ये सब यूनिवर्सिटी जहाँ पे मैट का ये है। दोस्तों इसी का भी ऑनलाइन जो सबमिशन फॉर्म है 1/11 से 30/11/2018, फीस स्ट्रक्चर वही सेम है। जनरल के लिए 1400 और अदर रिजर्व कैटेगरी में अगर आप हैं तो इसका 700 का जो फीस स्ट्रक्चर है। अच्छा, इसका जो सेकंड आ रहा है जो एग्ज़ाम का पैटर्न है उसमें आपको क्वांटिटी एप्टीट्यूड देना पड़ेगा, लॉजिकल रीजनिंग, लैंग्वेज और जनरल अवेयरनेस। 25 25 25 25 का है, मैं क्वेश्चन 100 100 मार्क का है। तो अगर आप मैनेजमेंट में जाना चाहते हैं और कुछ एक्स्ट्रा कॉलेज ऐड करना चाहते हैं तो इसको भी आप अप्लाई कर सकते हैं या फिर ऐड कर सकते हैं। और तीसरा जो है, अगर दोस्तों आप लोग को डिफेंस सेक्टर में इंटरेस्टेड है या फिर उससे वहाँ पे जाना चाहते हैं, जो अपना नेवी हुआ ये हुआ, तो उसके लिए भी निकला है। इसका जो है कॉम्बैट डिफेंस सर्विस एग्जामिनेशन का, उसमें आपका जो एज लिमिट होना चाहिए 20 to 24 ईयर्स। और सेकंड है द पर्सन शुड भी ऑन मेरिट, मतलब ऑन मेरिट जो है उनको प्रिफरेंस दिया जाएगा। और एज लिमिट है 22 24। तो इसका जो फॉर्म फिलअप का जो प्रोसीजर है, आपको www.upsaonline.nac.in में आपको जाके इसको फिलअप करना पड़ेगा। तो उसके बारे में और थोड़ा सा बता देता हूँ कि जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है IMA के लिए, ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी के लिए, उसके लिए डिग्री का सर्टिफिकेट चाहिए। इंडियन नेवल एकेडमी के लिए आपको इंजीनियरिंग का सर्टिफिकेट होना चाहिए और एयरफोर्स के लिए आपको 10+2 में साइंस होना चाहिए। ये तीनों है उसका जो है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। बाकी एज जो मैं बता दिया 22 24 और ऑन मेरिट, इवन ए मेरिट पर्सन भी इसमें आप अप्लाई कर सकता है सब, लेकिन उन लोगों को कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं मिलेगा या फिर वो लोग बाहर में नहीं रह सकते, मतलब अगर ये फैमिली के साथ बाहर में नहीं रहता, वो टर्म्स एंड कंडीशन सब आपको एडवर्टाइजमेंट में मिल जाएगा। और इसका जो एप्लीकेशन का फीस है दोस्तों वो है 200 रुपीज़ ओनली। 200 रुपीज़ दे के इसको आप ये फिलअप कर सकते हैं। तो अगर आप डिफेंस सेक्टर में इंटरेस्टेड हैं, ग्रेजुएट हैं, एज आपका हाइट और फिजिकल जो स्ट्रक्चर है आपका ठीक ठाक है और डिफेंस में इंटरेस्टेड है तो इसको आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसका जो एग्जामिनेशन पैटर्न है वही सिंपल है, इंग्लिश जनरल नॉलेज और एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, दो दो 2 2 आवर्स का है। तो इसको आप दे सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, इस तीनों में आपको जो भी है आपका एलिजिबिलिटी है, NEET तो आपका हुआ मेडिकल के लिए, और CDS है आप अगर डिफेंस सेक्टर में चाहते हैं, और मैनेजमेंट के लिए आप चाहते हैं तो CMAT में अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, थैंक यू आपका बहुमूल्य टाइम।